एस सी वर्मा गॉस लॉ का न्यूमेरिकल 21। टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर बिटवीन देम। एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट्स रीचेस द अदर प्लेट इन 2 माइक्रोसेकेंड्स। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेसेस। तो यहाँ पे दो प्लेट्स दी हुई है, कंडक्टिंग प्लेट्स, और एक प्लेट से और उनके बीच में सेपरेशन दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, और किसी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे प्लेट पर। इनिशियली वो रेस्ट है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी रेस्ट है, और कौन से प्लेट पे जा रहा है वो नहीं कहा है। एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर जा रहा है, मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर वो जा रहा है, और जाने के लिए टाइम लग रहा है t = 2 माइक्रोसेकेंड, इतना टाइम लग रहा है। और अब यहाँ पे इनिशियली वो रेस्ट है, बाद में जा रहा है, मतलब उस पर फोर्स लगता होगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो कितना होता है q × E, इतना फोर्स होता है। मतलब इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी वो फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, तो ये जो प्लेट्स होगी वो चार्ज प्लेट्स होगी, इसमें चार्जेस होंगे। तो मानो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, मतलब प्लस सिग्मा, इतनी उस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, तो उस पर माइनस सिग्मा, इतनी नेगेटिव चार्ज की सरफेस डेंसिटी होगी। तो ये प्लस टू माइनस इस डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होता है, इसलिए इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और ये इस प्लेट तक ही होगा क्योंकि इस प्लेट को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इस प्लेट से इस प्लेट तक यही फील्ड की डायरेक्शन होगी। फील्ड की डायरेक्शन एक प्लेट से दूसरे प्लेट की, और वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते तो उस पर q × E इतना फोर्स लगता है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट इस डायरेक्शन में वो चला जाएगा, और जाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। तो हमें कहा है कि उस सर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है वो फाइंड करो। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, तो हमने न्यूमेरिकल 8 में देखा है कि कोई भी इन्फिनाइट प्लेन शीट होगी और उस पर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा होगी, तो उसके कारण इसके बाहर जो पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2ε0। तो अभी हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट के बीच में कितनी होगी ये देखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी ये दो प्लेट, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जा रहा है, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके कारण इस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो ये दो प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, मतलब पॉजिटिव प्लेट के कारण इस कोई भी एक पॉइंट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E+ डायरेक्शन में होगी। और इसके आगे एक नेगेटिव प्लेट रखी हुई है, तो नेगेटिव प्लेट में के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स ये मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी। तो ये पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण सिर्फ और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बता रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा, मतलब इसके बीच में कोई भी पॉइंट होगी तो उनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरे प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे चाहे तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कितनी आती है उसका मैग्नेट हमने न्यूमेरिकल 8 में उसका डिराइव किया है, तो ये आती है σ/2ε0, और इसके कारण भी आएगी σ/2ε0। दोनों ये प्लस माइनस सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड की एडिशन होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की एक ही डायरेक्शन में होगी। इसका और ज्यादा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 22 में देखेंगे, इसे और से डिस्कस करने वाले। तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इनकी एडिशन, मतलब 2 times this, तो ये आएगा इनकी एडिशन, ये σ/ε0, इसकी एडिशन इतनी आएगी, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है, मतलब चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी E × ε0। तो ये सिग्मा E = ε0 सिग्मा, और E क्या होता है, तो इस इक्वेशन से E मतलब क्या, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स अपॉन चार्ज
एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स क्या होता है, ये रेस्ट में है यहां से यहां पे जा रही, मतलब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इनिशियली वो रेस्ट है, मतलब ये वैल्यू जीरो, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ हमें टी फाइंड कर, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो टू यहाँ पे आएगा, टू ए एस और ये टी स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन टू और एस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और टाइम, टाइम कितना दिया है 2 माइक्रोसेकेंड, मतलब 2 × 10⁻⁶ माइक्रो इतने सेकेंड इसका स्क्वेयर करना है, मतलब फिर से 2 × 10⁻² आएगा -12, इतना एक्सेलरेशन होगा, तो ये कैंसिल होगा और एक्सेलरेशन आएगा, ये -12 ऊपर चलेगा तो +10, तो -2 + 12 एक्सेलरेशन आएगा 10⁻¹⁰ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब ये एक्सेलरेशन हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो फ्रॉम टू सिग्मा, सिर पे चार्ज डेंसिटी आएगी, मास कितना दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³⁰। एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया 10⁻¹⁰। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²⁰ डिवाइडेड बाय ए चार्ज, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका डेसिमल निकालते हैं, तो इसका एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसका और एक डेसिमल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे और एक जीरो देते 160। अब ये 4 से डिवाइड करते, तो 4 × 4 = 16, तो ये 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, तो एक बचा, तो 4 × 2 = 8, तो फिर से इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 10, तो ये 4 × 5 = 22 बचे, 4 × 5 = 21 बचा, तो 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू यहाँ पे 9.1 × 5 × 5 = 3 और ये पॉइंट यहाँ पे, और ये 10 से डिवाइड करेगा, तो ये 5.53 इंटू ये 10⁻³⁰ + 10 − 12 और ये −19 भी ऊपर चला गया, तो इतना होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है सिग्मा इज इक्वल टू 50.3 × 10⁻¹⁴ ये आ रहा है −14, तो इसी को लिख सकते हैं हम सिग्मा इज इक्वल टू, ये दो डेसिमल शिफ्ट किए, तो ये 0.503 × 10⁻¹⁰ − 12 और ये चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब ये कूलम पर मीटर स्क्वायर, इतनी सर्फेस चार्ज डेंसिटी होगी।